नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ हैं पिछोर विधानसभा सीट से एक ऐसा नाम जो 2013 में एक बड़ा नाम बनकर आया, 2018 हो चाहे 2023, ये नाम लगातार चर्चाओं का केंद्र बना रहा। पिछोर विधानसभा सीट में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट डिक्लेयर की और यहाँ से लगातार 6 बार से विधायक केपी सिंह को चुनावी मैदान छोड़ना पड़ा और अब जाकर वो शिवपुरी की तरफ लड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, हमारे साथ हैं। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। धन्यवाद। अब जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, केपी सिंह यहां से मैदान छोड़ चुके हैं, अब आप एक अकेले उम्मीदवार रह गए हैं जो अच्छी तादाद में वोट बैंक को हासिल कर सकते हैं, तो अब जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में नहीं जा रहा, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता प्रीतम लोधी बनकर खड़ा हुआ है। कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं कार्यकर्ता और मतदाता। यहाँ का अद्भुत चुनाव है पिछोर का, और पिछोर का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, कार्यकर्ता ने अपने हाथ में ले लिया है। अब यही लोग काम कर रहे हैं, यही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब कौन भागा कहाँ भागा इस पर तो मैं नहीं चाहता, वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि 30 साल जिन समाजों ने भरोसा किया, खून पसीना बहाया, 30 साल से चादरें बिछाई, जय जयकार की, तालियां बजाई, जिंदाबाद किए, कुर्सियां उठाई, फर्श बिछाए और उनके लिए जीना मरना सीखा, उनको एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और ना ही उनसे सलाह ली, ना पूछा कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। आप 2013 का चुनाव लड़ते हैं, 2018 का चुनाव लड़ते हैं, अंतर को लगातार कम करते हैं और आज 10 साल बाद आप जनता के बीच हैं। अब की बार ऐसी परिस्थितियां जो हम लोग जनता में जा रहे हैं, तब ऐसा माहौल मिल रहा है कि प्रीतम सिंह लोधी कहीं ना कहीं आगे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी दिए हैं उनका भी लगभग जनता के पास जाना, फिर उसके बाद पहचान कराना, ये सब है। तो अब 2023 के इस चुनाव में अगर आप यहाँ से चुनाव को जीत जाते हैं तो पंजाब सिंह यादव जी एक बात को लगातार जो कहते हैं कि पिछोर को जिला बनाना चाहिए, उस बारे में आपकी क्या सोच है? पंजाब सिंह जी का नाम अगर ले रहे, पंजाब सिंह जी कैसा नाम है कि उनने यहाँ की जनता को जगाया है जी, और जिले के बारे में सारे लोगों को अवगत कराया है, और पंजाब सिंह जी की वजह से ही उनने जो 1 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत ही यह जिला बनने जा रहा है। और जिला यहाँ पे बना तो ये बात मान के चलना कि यहाँ प्रगति के सारे रास्ते खुलेंगे, रोजगार के रास्ते खुलेंगे, सम्मान के रास्ते खुलेंगे। अगर बैकवर्ड समाज में देखा जाए तो एक तरीके से कहें तो 2 कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि पंजाब सिंह के आने के बाद ये परिस्थितियां बनी कि केपी सिंह का काजू पिछोर छोड़ करके शिवपुरी से चुनावी मैदान में है। इस बारे में क्या कहें, क्या पंजाब सिंह के आने के बाद ये परिस्थितियां बनी या पहले से बन रही थी? ये तो नहीं पता अपन ने, नहीं बन रही है, लेकिन पंजाब सिंह जी के आने के बाद में स्थिति साफ हो गई, एक तरफा स्थिति बन गई, क्योंकि पंजाब सिंह के समर्थक भी बहुत हैं। पंजाब सिंह खुद भी बहुत मेहनती और कर्मठ एक कार्यकर्ता और एक नेता रहे हैं, तो उनके आने से बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ को कहता हूँ कि यहाँ से ये गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सारी समाजों ने इतना सम्मान किया उसका, इतना काम किया, वो गिरे तो कहाँ गिरे, 30 साल भी उनने क्या किया, अपने ही लोगों को काम दिए, अपने ही लोगों को रोजगार दिए, अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाया, और लास्ट में जाते जाते अपने ही व्यक्ति को वो टिकट दे गए, उनने किसी को भी समाज को नहीं पूछा कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे। पिछोर की जो अभी कंडीशंस हैं, लगातार यहाँ से 6 बार से केपी सिंह यहाँ से विधायक हैं, अब 7वीं बार ऐसा जनता में जो लग रहा है देखने में, और ये लोग हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब लोगों के पास जाते हैं तो लगातार लोग अभी एक पक्ष में आवाज़ उठाने लगे हैं कि हम लोग प्रीतम सिंह को चुनेंगे। तो जब हम लोग 20 दिन यहाँ पर पहले आए थे तो यहाँ पर प्रीतम सिंह की आवाज़ रखने वाले वोटर साहब के थे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंतर मात्र 2600 वोट का रहता है, लेकिन वो आवाज़ रखने वाले नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में उन आवाज़ रखने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो इसका कारण आप क्या समझते हैं कि आवाज़ उस समय क्यों नहीं रखी जा रही थी इतनी तादाद? देखो, आवाज़ पहले भी कार्यकर्ताओं ने रखी थी और आज भी रख रहे हैं कार्यकर्ता आवाज़ को लेकर, नहीं कार्यकर्ता की आवाज़ से ही जो भी कुछ बदला हुआ है वो कार्यकर्ता की आवाज़ से ही बदला हुआ है। और कार्यकर्ता यहाँ का 30 साल से बेचारा रगड़ रहा था, पिट रहा था, झेल रहा था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा लोगों से कि 30 साल इतना होने के बावजूद आज कार्यकर्ता वहीं की वहीं खड़ा है और फिर वही की वही शक्ति लेके
और वही संघर्ष में उससे और बढ़ के दो कदम बढ़ के आगे आया है कार्यकर्ता। एक दिन प्रीतम सिंह जी को मैं फेसबुक के माध्यम से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब की बार 100-100 रुपए आप लोग इकट्ठा करके दीजिए, चुनाव लड़ना है। जी जी, क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, प्रीतम सिंह लोधी पे पैसा तो है नहीं है, प्रीतम सिंह लोधी कार्यकर्ता, प्रीतम लोधी ने कभी पैसा कमाया नहीं है, प्रीतम सिंह लोधी ने 2 नंबर का काम किया नहीं है, प्रीतम सिंह लोधी की फैक्ट्री चल नहीं रही है, प्रीतम सिंह लोधी का धंधा चल नहीं रहा है, तो यहाँ गाड़ियों में डीजल भील डराते हैं जो काम कर रहे हैं हम लेके नहीं। तो इसमें कार्यकर्ता को ही आह्वान था कि चाहे हमको तो भैया को चुनाव लड़ाना है, चाहे हमको 10-10, 50-50 रुपये करके इकट्ठा करके नहीं, हमको भैया को देना पड़े। तो ये हमारे कार्यकर्ता की ही सोच है। अब की बार पिछोर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीतने जा रही है, और साथ ही अंतिम सवाल सर, भोपाल में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लाकर सरकार स्थापित करने जा रही है आपके हिसाब से? देखो, मेरे हिसाब से तो ये है कि हम 200 से पार हो रहे हैं, क्योंकि लाडली बहन ने बहुत कुछ बदल दिया है। एक एक विधानसभा में हमारी लाडली बहन योजना के तहत 60 से 70 हज़ार तक बहनों को सम्मान मिला है। तो 60-70 हज़ार सम्मान मिलना बड़ी बात हो जाती है एक विधानसभा में, तो 71वां चुनाव हो जाता है। तो अब की बात अद्भुत चुनाव होगा, और अब की बात चौंकाने वाला चुनाव होगा। और शैलेंद्र सिंह जी जो पिछोर से उम्मीदवार हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव में? अब देखो, उसको तो मैं इस तरीके यहाँ की जहाँ बैठे हैं हम, वो यहीं के रहने वाले हैं कन्हैया थाने के ही, तो कन्हैया थाने में ही आप लोगों से पूछ के देखना कि कन्हैया थाने वाले उनके गृह घर पे ही उनका कितना लोग मान सम्मान करते हैं, और कितना लोग उनको चाहते हैं और कितना नहीं चाहते हैं, वो आपको यही लोग बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो एक सिंगल काम नहीं हुआ नगर पालिका अध्यक्ष उनके कार्यकाल में, तो यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है। और यहाँ की जनता तो मान के चलो, वो तो एक पैराशूट से उतर के आते नहीं है ना, एक बोलते हैं अपन पैराशूट से उतर के आए, तो वो एक पैराशूट से उतर के आए हैं यहाँ पर कैंडिडेट। यहाँ पर उनका पार्षद चुनाव तक का भी उनका वो वजूद नहीं है जो उनको विधानसभा का दे दिया है। इतने लोग थे विधानसभा लड़ने वाले, चाहे वो जाटव समाज में लड़ने वाले थे, चाहे वो आदिवासी समाज में लड़ने वाले थे, चाहे वो पाल समाज में लड़ने वाले थे, इतने समाजों में लोग लड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ के कांग्रेस ने और कांग्रेस के विधायक ने किसी को भी तवज्जो नहीं दिया, और लाके नहीं अगर खड़ा किया तो परिवार का ही व्यक्ति खड़ा कर दिया। आप कितनी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं? अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन चुनाव अद्भुत होगा आपकी बार, बहुत चमत्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछोर में दम भरती हुई नजर आ रही है। अभी आने वाली 3 दिसंबर को पता चलेगा आखिर किस तरीके से चुनावी मैदान में लोग जाते हैं, प्रीतम सिंह लोधी को जिताते हैं या शैलेंद्र प्रताप सिंह को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।